नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जितेंद्र नारखेड़े। साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन मतलब घटाना या फिर कम करना। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एडिशन के बारे में देखा था, तो उस तरह से हमें आज सबट्रैक्शन के बारे में देखना है। एडिशन मतलब मिलाना और सबट्रैक्शन मतलब घटाना। अगर आपने पिछले वीडियोस मिस कर दिए हैं तो ऊपर मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हो। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, फर्स्ट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 17। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब होता है कम करना या फिर घटाना। तो चलिए हम देखते हैं ये सबट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो जैसे आपके सामने अभी आपको दिख रहा है, ये दो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो जैसे यश यहाँ पे बैठा है और ये जो है ये रमा है, और इन दोनों के सामने ये डिश पड़ी हुई है और डिश में कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या रखा है वो पहले हम देखते हैं। यश हैड 3 जामुन्स, मतलब ये जो डिश में जो रखा है वो है जामुन्स। तो यश के पास कितने जामुन्स है? यश के पास 3 जामुन्स है। यश हैड 3 जामुन्स। और फिर उसने क्या किया? ही गेव 2 जामुन्स टू रमा, मतलब यश के पास जो 3 जामुन्स थे उसने वो 3 जामुन्स में से 2 जामुन्स जो है वो रमा को दे दिए। तो अभी उसके बाद हमें क्या बोला है? हमें बोला है हाउ मैनी जामुन्स डज ही हैव नाउ। तो जो 3 जामुन्स में से 2 जामुन्स रमा को देने के बाद यश के पास कितने जामुन्स बचे हैं ये हमें पूछा है। तो ये हमें किस तरह से समझना है? ये हमें समझने के लिए हमें सबट्रैक्शन करना पड़ेगा, मतलब घटाना सीखना पड़ेगा, कम करना हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यश के पास 3 जामुन थे और 3 में से 2 उसने रमा को दे दिए, मतलब यश के पास जो जामुन थे वो कम हो गए हैं, घट गए हैं। तो ये घटने और कम होने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं सबट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पे हमें दिया है सबट्रैक्शन आपको करना कैसे है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यश के पास 3 जामुन्स थे, 3 में से 2 जामुन्स जो है वो रमा को दे दिए। तो आपको सबट्रैक्शन करना कैसे है? तो जैसे यश के पास 3 जामुन थे तो यहाँ पे लिखा है 3 माइनस, अभी ये जो साइन है, ये जो मैं साइन पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो साइन है इसे कहते हैं माइनस साइन, ठीक है। माइनस साइन हम यूज करते हैं सबट्रैक्शन करने के लिए, मतलब घटाने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये साइन यूज करना पड़ेगा। तो ये साइन का नाम है माइनस साइन। तो 3 जामुन्स में से 2 माइनस हो गए, मतलब 2 कम हो गए, तो कितना बचा? तो 1 जामुन बचा जो अभी यश के पास होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको ये रीड कैसे करना है? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू, अभी फिर से देखिए ये साइन आ गया इज इक्वल टू, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था जब हमने एडिशन पढ़ा था, ये साइन का नाम है इज इक्वल टू साइन। तो इसको आपको रीड कैसे करना है? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, मतलब अगर 3 में से हमने 2 घटा दिए, 2 कम कर दिए, तो हमें नंबर मिलेगा 1, मतलब 1। तो इस तरह से आपको जो सबट्रैक्शन है वो करना है, मतलब घटाना या कम करना जिसे बोलते हैं वो आपको करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक आपको फोटो भी दिया है, तो यहाँ पे 3 जामुन्स जो यश के पास थे उसका फोटो यहाँ पे है, जो 1, 2 एंड 3। तो उसमें से जो 2 जामुन्स जो है वो 2 जामुन्स उसने रमा को दे दिए, मतलब ये 2 जामुन्स जो है वो कट कर दिए है, यहाँ पे ऐसे मिटा दिए उनको, मतलब ये घट गए, कम हो गए। तो बचा कितना? 1 बचा, मतलब ओनली 1 जामुन रिमेनिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो सबट्रैक्शन है वो करना होता है।
सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना या फिर कम करना, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको हमेशा दो नंबर्स की ज़रूरत होती है, और सब्ट्रैक्शन आप हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा के ही कर सकते हो। मतलब आप हमेशा किसी बड़े नंबर में से कोई छोटा नंबर आप घटा सकते हो, कम कर सकते हो, या फिर उसको कहते हैं आप सब्ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। तो हम ये सब्ट्रैक्शन जो है वो समझने के लिए कुछ और टास्क हमें दिए हैं, वो हम कंप्लीट करते हैं, ताकि वो टास्क कंप्लीट करके हम जो ये सब्ट्रैक्शन है वो अच्छी तरह से और समझ सके। तो चलिए वो टास्क पे हम चलते हैं। तो जैसे देखिए, आपको एक फ़ोटो दिख रहा है, उस फोटो में कुछ फ्रॉग्स हैं, ठीक है। ये मेंढक इस फोटो में है। तो पहले आप फोटो अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कीजिए, और मैं फिर आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। याद रखिएगा, हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब घटाना या फिर कम करना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप ये ऑब्ज़र्व करिए, फिर हम चलते हैं टास्क के ऊपर, हमें करना क्या है। तो आपने ये जो फ़ोटो है वो अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर लिया है, तो चलिए हम टास्क पे चलते हैं। हमें पूछा है, डू यू ऑब्ज़र्व द पिक्चर? यस। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको ये जो फ़ोटो था वो आपको ऑब्ज़र्व करना था, वो हमने ऑब्ज़र्व कर लिया है। फाइव फ्रॉग्स वेयर ऑन रिवर बैंक, वन फ्रॉग जम्प्ड इन टू वाटर। मतलब पांच जो मेंढक थे वो नदी के किनारे बैठे थे, उसमें से एक जो फ्रॉग था उसने पानी के अंदर जंप कर दिया, मतलब वो पानी के अंदर चला गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला है, काउंट हाउ मैनी फ्रॉग्स आर ऑन द रिवर बैंक नाउ। मतलब अभी नदी के किनारे कितने फ्रॉग बैठे हैं। जैसे मैं आपको फिर से बता दूं, मैं फिर से पढ़ता हूँ। फाइव फ्रॉग्स वेयर ऑन अ रिवर बैंक, मतलब पांच जो मेंढक थे वो नदी के किनारे बैठे हैं, उसमें से जो एक फ्रॉग है उसने नदी के अंदर जंप कर दिया, पानी के अंदर वो चला गया, तो अभी वहाँ कितने फ्रॉग्स बैठे हैं। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें काउंट करके कैलकुलेट करना है। तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, मतलब हमें घटाना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फिर से आपको एक बार वो जो फ़ोटो है उस पर लेके चलता हूँ। तो देखिए, इस तरह से ये फ़ोटो था। फ़ोटो में जैसे हमें बोला गया है, यहाँ पे जो ये जो नदी है, ये नदी के किनारे पांच जो मेंढक थे वो बैठे थे, और ये पांच में से जो एक मेंढक था, ये वाला मेंढक, इसने नदी के अंदर जो है जंप कर दिया, मतलब पानी के अंदर वो चला गया। तो अभी हमें पूछा है कि एक जो मेंढक है ये नदी के अंदर जाने के बाद, मतलब पानी के अंदर जाने के बाद, वहाँ पे नदी के किनारे कितने मेंढक बचे हैं। तो इसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। चलिए पहले हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पे कितने मेंढक है। तो वन टू थ्री फोर एंड दिस वन इज फिफ्थ नंबर, राइट। तो ये पांच थे, पांच में से एक चला गया, तो मतलब हमें अभी क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, हमें 5-1 करना पड़ेगा। मतलब टोटल पांच मेंढक थे और पांच में से एक चला गया, मतलब एक कम हो गया, मतलब एक घट गया। तो घटना या फिर कम होना, उसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमें दिया है। तो जैसे हमने काउंट किया, नदी के किनारे पांच मेंढक बैठे थे, और उसमें से एक मेंढक ने पानी में जंप कर दिया, मतलब वो पानी के अंदर चला गया। तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, हमें यहाँ पे घटाना है। तो हम घटाने के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, इस साइन का यूज हम घटाने के लिए करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। और ये साइन को आपको क्या बोलना है, ये साइन को आपको बोलना है माइनस साइन। और आपको इसको पढ़ना कैसे है, 5-1 इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी नंबर आएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम ये वैल्यू काउंट करते हैं, ये नंबर काउंट करते हैं। तो पांच में से अगर एक कम कर दिया जाए तो कितना बचता है, पांच में से अगर आप एक घटा दोगे तो बचता है चार, मतलब नंबर फोर।
तो इसका मतलब क्या हुआ, पांच मेंढक थे, पांच में से एक जो मेंढक था वो पानी में चला गया, तो अभी नदी के किनारे कितने मेंढक बचे हैं, नदी के किनारे अभी चार मेंढक बचे हैं, ठीक है। सो फोर फ्रॉग्स आर रिमेनिंग, राइट। तो इसी तरह से आपको यहां पे भी लिखना है, फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर। तो इस तरह से होता है सब्ट्रैक्शन। तो अभी हमने देखा कि आपको सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसे करना है। तो चलिए, और हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं वो हम देखते हैं, ताकि आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो आप अच्छी तरह से समझ सके। तो जैसे यहाँ पे हमें कुछ स्माइली फेसेस दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले काउंट करते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब सीखने के लिए नंबर्स काउंटिंग आना ज़रूरी है। तो नंबर्स काउंटिंग आप पहले अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद आपको ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये बहुत ईजी जाएगा। तो चलिए हम ये टास्क कंप्लीट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे तीन स्माइली फेस दिए हैं, हम काउंट करते हैं, वन टू एंड थ्री। तो देखिए ये तीन यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्री यहाँ पे लिखा हुआ है ये बॉक्स में, तो ये थ्री फेस है। तो हमें क्या बोला है यहाँ पे, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, अगर तीन में से हम एक अगर कम कर देते हैं, थ्री माइनस वन अगर हम करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है ये हमें देखना है। तो जैसे थ्री माइनस वन, तो ये तीन फेस है, वन टू थ्री, और तीन में से जो एक फेस है वो हमने घटा दिया, मतलब कम कर दिया, तो कितने बचे, वन एंड टू। तो इसका मतलब ये हुआ, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू। तो इस तरह से आपको ये लिखना है, इस तरह से सब्ट्रैक्शन आपको करना है। तो चलिए, और नीचे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उस पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने दो एग्जांपल्स है, वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें स्टार दिए हैं, तो चलिए स्टार कितने दिए हैं वो पहले काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार, मतलब वन टू थ्री फोर, फोर स्टार, मतलब यहाँ पे जो स्टार हैं वो चार हैं। और हमें क्या करना है, हमें फोर माइनस टू इज इक्वल टू, मतलब अगर चार स्टार में से अगर हम दो घटाते हैं, दो कम करते हैं, तो कितने बचते हैं वो हमें काउंट करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये स्टार बने हुए हैं, चार स्टार बने हुए हैं, तो यहाँ से हमने ये दो स्टार को घटा दिया, मतलब कम कर दिया, तो कितने बचे, वन एंड टू, तो टू स्टार रिमेनिंग, राइट। मतलब अगर चार में से आप दो नंबर कम करते हो तो आपको दो नंबर मिलते हैं, ठीक है। फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू। नीचे और एक टास्क है वो देखते हैं। अभी यहाँ पे हमें कुछ ट्रायंगल्स दिए हैं, ये जो शेप है इसका नाम है ट्रायंगल, इसको ट्रायंगुलर शेप बोलते हैं। तो कितने हैं वो हम काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो फाइव ट्रायंगल्स है, तो हमें यहाँ पे फाइव माइनस टू इज इक्वल टू व्हाट, मतलब पांच में से अगर हम दो कम कर देंगे तो हमें कितना नंबर मिलेगा, हमें कौन सा नंबर मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है फिर से पांच, तो पांच में से दो घटा दिए, ये और ये, अभी कितने बचे काउंट कीजिए, वन टू एंड थ्री। तो अगर पांच में से अगर हम दो माइनस करते हैं तो बचता है नंबर थ्री, ठीक है। तो इस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन जो है वो करना है। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा हाउ टू सब्ट्रैक्ट द नंबर। आपको एक बार फिर से बता दूं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं, और आपको रीड करना है जैसे फाइव माइनस टू इज इक्वल टू थ्री, इस तरह से हम रीड करते हैं। और हम किसी बड़े नंबर में से कोई भी छोटा नंबर सब ट्रैक कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगे हैं, आपके लिए अगर यूज़फुल हो रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।